Today I am going to discuss about Project Tiger. Hi guys, you are on Smile IS YouTube channel. Our tagline is Veer Bhogi Vasundhara, means those who are hardworking and ambitious, they can achieve anything, whatever they want in their life. Project Tiger, okay? Why Project Tiger? The tiger population was declining rapidly due to the hunting and habitat destruction. India is the home to Bengal tiger, which is the most numerous tigers subspecies in the world and also the most endangered. The tiger population in India had declined from an estimate of 40,000 in the early 20th century to around 1800 in the 1970s. This was the cause of concern, as tiger are the keystone species and play a vital role in maintaining the ecological balance in the forest ecosystem. Indian government recognized the need to conserve the tiger population and initiated the Project Tiger in 1973, which was the first of its kind wildlife conservation initiative in the world. The project aimed to provide a safe and secure environment for tiger to live and breed free from human disturbance. It also aimed to reduce human-tiger conflict, improve tiger habitats, create public awareness about the importance of tiger. Under the Project Tiger, protected area were created across the country, known as a tiger reserve, where tiger could live and breed without any disturbance. As 2021, there are 50 tiger reserves in India, covering an area around 72,749 square kilometer, which is about 2.21% of the total geographical area of the country. The reserves are created, functioned on the core and buffer strategy. This is the core area who have the legal status of national park and the sanctuary in India. The buffer area form a peripheral region and are the combination of forest and non-forest land. ये आप यहाँ पे देख सकते हो कैसा है ये जो कोर एरिया, ये जो व्हाइट कलर का एरिया है, ये एरिया इसमें अभी तक कोई मतलब ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हुआ है, जैसा है ये वैसे ही है, ओके? इस एरिया में ये जो बफर एरिया है, यहाँ पे लोग रहते हैं, ये एरिया, ये व्हाइट वाला, और जो ये ब्लू कलर का है, ये बफर एरिया है. एक्चुअली यहाँ पे कुछ लोग रहते भी हैं, ओके? जैसे कुछ कुछ होता है, कुछ लोग रहते हैं यहाँ पे, कुछ कुछ ट्री जैसे का यहाँ पे आपको, उसके अलावा यहाँ पे जैसे कि महुआ हुआ होता है, यहाँ जो लोग रहते हैं वो सभी आते हैं. इसलिए तो फिर उसके बाद जब ये गवर्नमेंट ने ये लिया तो यहाँ क्या किया, और जैसे यहाँ भी कुछ लोग इधर भी रहते थे तो उन लोग को ये इधर शिफ्ट किया गया, उसके अलावा इन लोग को डायरेक्टली यहाँ से भी हटा दिया गया. जैसे यहाँ पे इनको रिहेबिलिटेट कर दिया गया, नया प्लेस दे दिया, पर फिर भी जैसे यहाँ पे महुआ या नदर जो चीज, ये जो ट्राइबल लोग रहते हैं उन लोग को अलाउ है, वो आ सकते हैं यहाँ पे, ले सकते हैं उनको जो जरूरत का, या जैसे तेंदू पत्ता, अदर डिफरेंट प्रोडक्ट, ओके? सो यहाँ पे आके ले सकते हैं, बट इस एरिया में नहीं ले सकते, ओके? और जैसे यहाँ पे रहते थे तो ये लोग इधर आते थे, तो अभी इन लोग, अब जैसे टाइगर तो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था. उसके अलावा रिसोर्सेस की जैसे यहाँ पे कमी होगी, जैसे अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से वाटर का अगर इशू हो गया, एंड और भी खाने का जैसे कि प्रॉब्लम हो ही रहा है ना, जैसे तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वही लोग जैसे टाइगर लोग भी बाहर आ रहे हैं, जब यहाँ पे खाना नहीं मिला क्या करेंगे, वो बाहर आएंगे, तो उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है. सो इन सबको दूर किया जा रहा है, ओके, धीरे धीरे. और जो टाइगर होता है, आप इससे ऐसे समझ सकते हो, आपने अगर फूड वेब देखा, देखो प्रोजेक्ट टाइगर, इट्स नॉट अबाउट जस्ट प्रोटेक्टिंग टाइगर, ओके? इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट, दिस इज द टाइगर, ओके? इफ यू वांट टू प्रोटेक्ट टाइगर, यू हैव टू प्रोटेक्ट, जो जैसे हिरन और डियर को, इनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि उन्हीं का वो भोजन है, तो इसको भी आप चाहोगे नंबर में रहे. इसको प्रोटेक्ट करना है तो आपको चाहोगे ग्रास वास भी रहे, या जो और चीज है और जो भी खाने का है. सो ये जो
पूरा फूड वेब है, ये इसको सारे साइकिल को मेंटेन करेगा, ये की स्टोन एनिमल है। ओके सो आज आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में की स्टोन एनिमल क्या होता है। यहाँ आपको मैंने अभी ये की स्टोन स्पीसीज, ओके ये आपको बताना है क्या होता है। ओके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आई होप यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।